गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे सेट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए दिया गया है 1 2 3, सेट बी दिया गया है 3 4 6, सेट सी दिया गया है 5 6 7 8। जो हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये एक हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंस या फिर वहां पे कॉम्प्लीमेंट्स यूज किए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जिनमें कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की जाएंगी, यानी वेरीफाई हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे हम कह सकते हैं, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमें ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के बराबर वेरीफाई करना है, हमें इसका वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले एलएचएस साइड है इसको लेके चलेंगे और फिर हम इस आरएचएस साइड को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों का हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले एलएचएस साइड को लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। एलएचएस साइड हमारे पास क्या आती है, देखिए, टेकिंग एलएचएस, पहले हमें ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करना है, बी और सी का इंटरसेक्ट लेना है। तो बी और सी का हम इंटरसेक्ट लेंगे, यानी ये आपका बी सेट है, ये सी सेट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। बी और सी में कॉमन देखते हैं, जो एलिमेंट दोनों में होता है वो हमारा कॉमन एलिमेंट होता है। तो दोनों में एलिमेंट कौन सा है, देखिए हमारे पास सिक्स है, सिक्स दोनों के अंदर है, तो हमारे पास सिक्स कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो पहले हम इसमें बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारा आ गया सिक्स। इसके बाद देखिए, हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया। अब ए के साथ और इंटरसेक्शन लेना है इसका, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो सेट ए देखिए आपका क्या है, ये है सेट ए, और बी इंटरसेक्शन सी आपका ये है। इन दोनों में अब आपको कॉमन हिस्सा देखना है, इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है। ए सेट तो आपका वो हो गया और बी और सी का इंटरसेक्शन ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू फाइव या नल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, या रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारी एलएचएस साइड। अब आरएचएस साइड की बात करें, यहाँ पे हम ये हमारी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। राइट हैंड साइड में देखो, ए और बी में कॉमन पूछा गया है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन यहाँ पे क्या, देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, 1 2 3 3 4 6, तो इनमें कॉमन 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास कॉमन। इसके बाद क्या पूछा है इसने, इंटरसेक्शन सी, सी के साथ और कर दो अब इसका इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ और करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे केवल 3 है इस सेट में, और सी के साथ देखते हैं तो 5 6 7 8, वहां पे तो 3 है नहीं, यहाँ पे 3 है अकेला, वहां 3 है नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, नल सेट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारे इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये वेरीफाई हुई, दैट्स ऑल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में ये लिखा है कि हमारी जो एलएचएस साइड है वो देखिए क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए और बी का आप पहले यूनियन लो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो पहले तो यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखिए हमारे पास ए यूनियन बी का मतलब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को मर्ज कर दीजिए, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को मर्ज करते हैं, यानी मिला के लिखते हैं, तो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6, अब ये 3 यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया, दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार काउंट होगा यहाँ पे। अब 1 2 3 4 6 आ गया आपका, अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से
उस सेट के एलिमेंट हटा दो, रिमूव कर दो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। हम कॉम्प्लीमेंट किसका निकाल रहे हैं, इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास ए यूनियन बी के एलिमेंट ये आए हैं, इन एलिमेंट्स को हमें यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 को। तो यहां से आपको 1 2 3 4 6 को रिमूव करना पड़ेगा, तो 5 7 8 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5 7 8। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड होगी LHS 5 7 8। अब RHS हमारी क्या देखिए, इसमें RHS क्या है, RHS इक्वल्स टू हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अभी अभी बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी सेट का, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दीजिए। जिस भी सेट के हमें कॉम्प्लीमेंट का जिक्र करना है तो उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से हटा दीजिए या यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दीजिए। जो बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में वो आपका कॉम्प्लीमेंट बचता है। जैसे आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 को हटा दो, 1 2 3 को छोड़ दो, क्या बच गया, 4 5 6 7 8। तो यहां लिखेंगे 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप बी सेट के एलिमेंट देखे 3 4 6। अब 3 4 6 को यहां से हटा दो, 3 4 6 को हटाओ तो क्या बचेगा, 1 2 5, यहां बच जाएगा 1 2 5 7 8। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हिस्सा। अब कॉमन हिस्सा क्या होगा वो देखिए, कॉमन पार्ट क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन पार्ट देखिए, यहाँ पे 5 7 8 है, यहाँ पे 5 7 8 है, 6 और 4 इसमें नहीं है। तो कॉमन हिस्सा इन दोनों में क्या बनेगा आपके पास, 5 7 8। That's all. तो LHS हमारी कितनी हुई, 5 7 8, RHS कितनी हुई, 5 7 8। This is equal to LHS equals to RHS. That implies LHS equals to RHS. ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें मैं आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो कवर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बोर्ड पे नहीं होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा, केवल आपको यहाँ से इनके बेसिक्स जानकारी है वो आपको यहाँ से गेन करनी है। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह की जहाँ आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी आगे। थर्ड पार्ट हमारा ये पूछा गया है कि आपको बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले तो आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमने निकाला था, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट आपका ये है, इसमें से बी के एलिमेंट हटा दो, यानी 3 4 6 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, क्या बच गया, 1 2 5 7 8। तो 1 2 5 7 8 बच गया माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट हटा दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने निकाला था 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 5 6 7 8, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का जिक्र हमने पीछे किया था। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ए माइनस बी निकालना हो तो उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दो और ए में जो बच जाते हैं वो लिख दो। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, 8 यहां पे भी है, 1 नहीं है, 2 नहीं है। तो अब आपका ये पहले वाला सेट है ना, इसमें से कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, 1 बच गया, 2 बच गया, 5 7 8 कॉमन है, ये आपका क्या जाएगा, डिफरेंस। या दूसरा तरीका ये बताया था, जैसे ए और बी का डिफरेंस निकालना, तो वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है वो आपका हो जाएगा डिफरेंस, यानी वो एलिमेंट जो यहां तो है यहां नहीं है। तो यहां देखिए 1 है, 1 इसमें नहीं है, यहां लिख दीजिए, 2 यहां है यहां नहीं है, बाकी 5 7 8 यहां पे भी है यहां पे भी है, तो वो नहीं लेना है आपको। जो कॉमन एलिमेंट होता है वो नहीं लेना होता है डिफरेंस के अंदर, ये बात गांठ बांध लीजिए इस बात की, ये नोट कर लीजिए आप, पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन ए और बी का अगर डिफरेंस निकालना है तो वहां पे हमें इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है उनको तो लेना ही नहीं है। अब इस सेट में से घटा रहे हो तो इंटरसेक्शन वाला तो छोड़ दीजिए, बच गए वो लिखिए।
फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट ये कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट बी लिखिए पहले, 3, 4 और 6 इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले सी सेट देखो क्या है, 5, 6, 7, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ये हटा दीजिए, 5, 6, 7, 8 को हटाओगे तो यूनिवर्सल में क्या बच जाएगा, 1, 2, 3, 4 बच जाएगा, 1, 2, 3, 4 बच गया। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी कॉमन, कॉमन क्या बनेगा, 3 यहां पे है 4 यहां पे है, तो केवल क्या बन गया, 3 और 4, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रॉपर्टी और है इसमें, पांचवे पार्ट में देखिए, पांचवा पार्ट हमारा ये है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, हमें इसको वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है, यहाँ पे LHS और RHS साइड है, वो दोनों हमें बराबर सिद्ध करनी है, तो हम यहाँ पे LHS साइड लेते हैं, देखिए हमारी LHS साइड क्या बनेगी, यहाँ पे टेकिंग LHS, LHS में ये देखो पहले आप कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो बी और सी में कॉमन पार्ट क्या है, देख लीजिए यहीं पे, बी और सी में कॉमन हमने यहां भी निकाला था, केवल 6 है, तो केवल 6 आ जाएगा बी और सी में कॉमन। अब ए माइनस निकालना आपको, यानी कि ए सेट, ए सेट आपका क्या है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 और माइनस में 6 कर दीजिए, यानी कि माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपके LHS। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है, तो अभी अभी हमने जिक्र किया था डिफरेंस निकालना हो ए सेट और बी सेट का, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दीजिए और फिर जो पहले सेट में बचते हैं ना वो लिख दीजिए, ये हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। दो सेटों में डिफरेंस निकालना है तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए और जो बचते हैं पहले वाले सेट में वो लिखने होते हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉमन, तो यहाँ पे जो पहले सेट में वो सारे के सारे बच जाएंगे, हमारी LHS क्या आ गई, 1, 2, 3 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में RHS की, तो RHS हमारी क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकाल देंगे, सेट ए और बी में सब्ट्रैक्शन, ए और बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन दोनों में जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो देखिए ऐसे एलिमेंट जो यहाँ है और यहाँ नहीं है, यानी कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दो, जो बाकी बच गए वो यहाँ पे है वो लिख दीजिए, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कोई है नहीं, हमें तो ए माइनस बी निकालना है, इसमें से ये घटाना है, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो पहले ये लिखा जाएगा ए माइनस बी निकाल रहे तो पहले ये लिखा जाएगा, अब इसमें से ये घटाने हैं तो कॉमन एलिमेंट छोड़ दीजिए और बाकी यहाँ पे जो बच गए वो लिख दीजिए, तो ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है यहाँ पे देखिए ए माइनस सी, ए माइनस सी निकालना है, तो देखिए सेट ए और सेट सी का डिफरेंस, सेट ए ये रहा आपका, सेट सी ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कुछ नहीं है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 कॉमन कुछ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब आपको सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ लिखने पड़ेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि तरीका यही होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट आपको छोड़ देने हैं पहले वाले सेट में से, यानी अगर आपने ए माइनस बी लिया है तो ए में से कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, बी माइनस सी निकालना है तो बी में से कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, सी माइनस से निकालना है तो सी में से कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, बच गए वो आपके आंसर में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। अब हमें इन दोनों का निकालना है यूनियन, इन दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी 1, 2, 3, ये भी 1, 2, 3 और ये खुद ही बन जाएगा अपने आप, तो हमारे पास RHS क्या बन जाएगी, 1, 2, 3 ही बन जाएगी, दैट्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो हमारी RHS 1, 2, 3, LHS भी 1, 2, 3, दैट इंप्लाइज LHS इक्वल टू RHS, ये हमारी वेरिफिकेशन थी, दैट इज वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो मोस्टली प्रॉपर्टीज है, मोस्टली ऑपरेशंस है वो हमने यूज किए हैं। आगे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं अभी जिक्र करूंगा, उसमें हम वेन डायग्राम के बारे में जिक्र करेंगे, यानी वेन डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का अभी आपको बता देता हूं मैं,
हालांकि वेन डायग्राम के बारे में पहले बता चुका हूँ अच्छी तरह से, काफी टाइम दिया था हमने वेन डायग्राम को, अब फिर से मैं वेन डायग्राम के बारे में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए हम वेन डायग्राम के ऊपर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हमें ए सबसेट प्रॉपर सबसेट बी दिया हो दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये हमें सिद्ध करना है यूजिंग वेन डायग्राम। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यदि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का That in, यहाँ पे ये जो साइन है ये इफ एंड ओनली इफ का है, इफ एंड ओनली इफ का है। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन है वो ए होगा, ए और बी में जो कॉमन है वो ए होगा यहाँ पे। अगर आपको ये दिया हुआ हो तो हमें ये सिद्ध करना होगा। यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे और दोनों पार्ट को हमें सोल्व करना है, वो वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करना है, हमें वेन डायग्राम यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए इसका एक ही वेन डायग्राम बनेगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी आप यहाँ पे सोच सकते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सेट हमारा बड़ा होगा, ए सेट होगा बड़ा या बी सेट बड़ा होगा। सोच के देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब बी सेट क्या हमारा बड़ा सेट है, और सेट को हम एक सर्कल के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा बी सेट। दिस इज इक्वल टू बी सेट, ये हमारा बी सेट बनेगा और इसके अंदर हमारा हो जाएगा ए सेट, ये हमारा बी सेट हो गया। इस तरह से बना सकते हैं हम, दिस इज बी सेट और दिस इज ए सेट, ये हो जाएगा बी सेट हमारा बड़ा हो गया और जो ए सेट है वो हमारा छोटा हो गया क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार। अब आप इन दोनों में कॉमन देखते हो, दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालोगे, कॉमन एलिमेंट तो सेट ए के अंदर है वही निकलेंगे, सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट कॉमन है क्योंकि सेट ए पूरा पूरा किसके अंदर है, सेट बी के अंदर है। तो इस पोजीशन का जो वेन डायग्राम है वो यही बनेगा, वेन डायग्राम इसका ये बनेगा, ठीक है। मैं इसको बिना वेन डायग्राम के अगर सिद्ध करना चाहूं तो देखिए बिना वेन डायग्राम के भी हो सकता है, जब ये कहा गया है कि एक सेट ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। देखिए यहां कंडीशन को देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने ये दो साइड अज्यूम किए, ए के सारे एलिमेंट बी में लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गई, इस साइड को सेटिस्फाई कर गई। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हुआ कि आपको ये गिवन है, इट इज गिवन, देन प्रूव दिस। अब ये प्रूव करना है आपको, तो ए और बी में इंटरसेक्शन देखो, ए और बी में इंटरसेक्शन निकालो, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन आपका ए बी सी और डी बनेगा और ये किसके बराबर है हमारे पास, ए के बराबर है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। और अगर ये गिवन है तो हम आपको इफ एंड ओनली इफ के अकॉर्डिंग ये गिवन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बनेगा बी का, वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको ऐसे दिखाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।